हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के बैचेस या ब्रेकअप शो में। आज के दिन एक तो हम हमारी मार्केट की मंडे के दिन मार्केट की नीयत कैसी रह सकती है और उसी के साथ साथ इस वीकली बेसिस पर क्या इंपोर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं, उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ दो SME IPO जिनकी होने वाली है मंडे के दिन फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले FII और DII डाटा चेकआउट करते हैं फ्राइडे के दिन का, तो DII ने 2911 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर FII ने 340 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अब अगर हम सबसे पहले IPOs की बात कर लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास IPO आने वाला है न्यूज वैन मल्टीटेक SME IPO। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो यहां पर मेरा फाइनल डिसीजन ये होने वाला है कि मैं इस IPO को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं रिटेल कैटेगरी में। सिमिलरली जो हमारा ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम वाला भी IPO है SME, उस IPO को भी मैं अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। मतलब कि दोनों ही IPOs को मैं अप्लाई करूंगा मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। बट अगर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट होती तो मैं वहां पर कौन सी IPO को अप्लाई करता, तो मैं वहां पर सबसे पहली प्रेफरेंस देता न्यूज़वेन मल्टीटेक IPO को। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप GMP देखोगे तो GMP हमें न्यूज़वेन में तो देखने को मिल रहा है 75% का, बट ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम में देखने को मिल रहा है 92% का। बट अगर हम दोनों कंपनीज को फंडामेंटली देखते हैं तो वहां पर न्यूज़वेन मल्टीटेक ज्यादा मुझे फंडामेंटली साउंड नजर आ रही है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर से। और ज्यादा फर्क नहीं है, बस दोनों के फाइनेंशियल में मुझे जहां पर ज्यादा बेटर फाइनेंशियल देखने को मिले एज कम्पेयर टू दिस, तो इस वजह से मैं वहां पर न्यूज़वेन मल्टीटेक को प्रेफर करता अगर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट होती। बट आप लोग अपने माइंडसेट, अपने रिस्क फैक्टर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। जो मैंने अपना डिसीजन बताया है मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट, अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी बात होती, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर की साइड की अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहां पर हमारे लेवल्स पर हमें मार्केट ने एंट्री दी और सीधा खींच के ले गया ऊपर की साइड। तो ये था हमारे पास फाइनल लेवल। अब अगर जैसे इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, हमें फिर से एक अच्छी एंट्री मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। क्या बात हुई थी हमारी, सेंसेक्स में हमें कॉल साइड की, मतलब कि मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि कॉल साइड की अच्छी खासी हीरो जीरो ट्रेड मिल सकती है। जहां मर्जी आपने एंट्री बनाई हो, अगर आपने पेशेंस रखा होगा तो वो आपको काफी मजा दिला चुकी होगी ट्रेड। और उसी के साथ साथ एक और बात कही थी, मार्केट कुछ दिनों से हमें मौके नहीं दे रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, जिस भी दिन मौका देगा एक ही दिन में आपको डबल ट्रिपल करके दे देगा। और वो हमें मिल चुका था फ्राइडे के दिन, और क्या ही मजेदार मूव देखने को मिली थी। अब खैर जो हुआ सो हुआ, अब अगर हम मंडे के दिन की बात करें, जिस तरीके से मार्केट ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है तो वहां पर एक अच्छा दिन रहने की उम्मीद है। साइडवेज रहता है वो अलग मैटर है, लेकिन पर्सनली मैं शॉर्टिंग नहीं करूंगा जब तक मार्केट अपने इस लो को तोड़कर 21,720 के नीचे नहीं जाता, तब तक के लिए मैं वहां पर बीइंग एंड डिफेंसिव शॉर्टिंग नहीं करूंगा। अगर हम थोड़े से अग्रेसिव हैं और हमें इंट्राडे पर हमारा कोई भी सेटअप बन रहा है तो ठीक है, बट शॉर्टिंग को कैरी करके मैं पर्सनली बिल्कुल भी लेकर नहीं आने वाला हूं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव मार्केट आर्ट्स में शॉर्ट कर दिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, वो अलग मैटर है। बट 21,920 के ऊपर हमें फिर से एक नई मूव देखने को मिल सकती है 22,000 तक की। और इसी के साथ साथ अगर हमें पहले 21,830 के लेवल पर मिलता है तो वहां पर भी हमारे लिए एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है कॉल साइड के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये हमारे लिए मंडे के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं अगर हम वीकली बेसिस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मंडे के दिन होने वाली है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। अगर वहां पर कोई भी हमें हीरो जीरो ट्रेड बनती देखने को मिलती हुई हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हम जहां पर काफी टाइम से स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे 4-5 स्टॉक जो हमारे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मुनाफा देके जा सकते हैं, उनको स्टडी किया जाए एजुकेशन पर्पस, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो तैयार कर दूंगा। बट अगर हम बात करते हैं वीकली बेसिस पर, तो वहां पर हम चलते हैं डेली कैंडल चार्ट पर। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा,
मार्केट ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमारी यहाँ पर बात हुई थी कि मार्केट कभी भी अपने 20 मूविंग एवरेज को अगर टच करने आते तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली, टच करने नहीं आई, उसके ऊपर से हल्का सा बाउंस करके जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट वहां से हमें अच्छी मूव मिल चुकी थी। अब अगर हम इमीडिएट बात करते हैं ना, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे पास 20,200 या 250 से 500 की रेंज, ये एक ऐसा लेवल होने वाला है जहां पर मार्केट एक बार अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस फेस कर सकती है या फिर यहां पर टाइम पास कर सकती है। जहां तक तो हमें उम्मीद है कि मार्केट लेवल दे ही जाएगी इस वीक तक, बट इसके बाद के लिए हमें फिर से देखना पड़ेगा। बट ऊपर की साइड हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होने वाला है, उम्मीद है कि मार्केट जहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, अब करेगी या नहीं करेगी कोई श्योरिटी नहीं है, वो मार्केट अपना रेजिस्टेंस खुद बनाएगी। बट हमने एक बार के लिए जस्ट प्राइस वॉल्यूम एक्शन को स्टडी करते हुए एक छोटी सी रेंज निकालने की कोशिश करी है एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। बट अगर हम बात करते हैं ना नीचे की साइड की, अगर मार्केट कभी भी अपनी 20 मूविंग एवरेज को टच करने आती है, जिसकी उम्मीद अभी फिलहाल के टाइम पर नहीं है एटलीस्ट इस वीक या नेक्स्ट वीक के लिए, अगर आती है तो वो हमारे लिए एक अच्छा मौका होने वाला है दोबारा से बास्केट बाइंग का। अब वो 20 की मूविंग एवरेज फिलहाल के टाइम पर चल रही है 21,460 के पास की, क्या अब ये भी ऊपर जाती रहेगी और ये कहां तक पहुंचेगी उस टाइम पर हमें उसको देखना पड़ेगा। हो सकता है वो 21,800 तक पहुंच जाए तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट स्पोर्ट बन जाएगी, मतलब कि जब तक 20 की मूविंग एवरेज नहीं टूटती है तब तक के लिए हमें मार्केट में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम हमारी मीडियम टर्म की पोजीशंस की बात करते हैं ना, वैसे तो अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो ये लेवल निकल कर आता है, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक के लिए हमें मीडियम टर्म की पोजीशंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमने 16,000 या फिर यहाँ पर हर लेवल पर ऐड करी है उन पोजीशन के लिए जो हमारा फाइनल ट्रेडिंग लेवल होता है वो तो ये लेवल होता है। बट अगर हम इमीडिएट भी बात करते हैं हमारी शॉर्ट टर्म्स की पोजीशन के लिए, तो जो ये लेवल था ना 21,400 के पास का, तो ये लेवल हमारे लिए इमीडिएट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन जो हमारी होने वाली है ट्रेडिंग वाली उनके लिए होने वाला है। और उसी के साथ साथ जो स्विंग ट्रेडिंग की जो हमारी पोजीशन है या फिर हम शॉर्ट टर्म पोजीशन बोलते हैं तो उसके लिए वो लेवल हो जाता है 21,000 का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, इनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये अपनी 20 की मूविंग एवरेज के पास आया, उसको ब्रीच किया और वहां से हमें प्यारी मूव देखने को मिली। लेकिन इसमें जो हमारी सपोर्ट थी जो हमने डिस्कस करी थी वो ये वाला लेवल था, अब वहीं से ही हमें बाउंस देखने को मिला एग्जैक्ट और वहां से क्या ही प्यारा मूव आया। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी ऊपर पहुंच चुका है अभी तक बैंक निफ्टी ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, तो ये वीक बैंक निफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उम्मीद है कि बैंक निफ्टी जहां से अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुंच सकता है। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा HDFC बैंक के स्टॉक को ट्रैक करना, क्योंकि वो भी अपने रेजिस्टेंस के पास है, अगर वो निकला तो बैंक निफ्टी को खींच कर ले जाएगा, तो वहां पर हमें HDFC बैंक से सिग्नल मिल सकते हैं। इमीडिएटली अगर हम बात करते हैं इमीडिएट सपोर्ट अभी भी हमारे पास यही रहने वाली है मेजर सपोर्ट, बट जितनी भी चीजें हमारी यहाँ पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।